तो नमस्कार, क्या हालचाल। गॉडसन इज बैक अगेन विद समथिंग न्यू। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं अपनी फर्स्ट मूवी जो हमने अभी तक कभी रिएक्ट नहीं करी है। सो टुडे आई वेंट टू वॉच द फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑफ एनिमल एंड आज मैं आपको बताऊंगा हाउ इट इज इट अप टू द मार्क विदाउट टेलिंग द स्टोरी विदाउट गिविंग यू द स्पॉयलर्स। इट्स अ नीट एंड क्लीन रिव्यू जहां पे आपको हर चीज का नॉलेज हो जाएगा कि यू शुड गो एंड वॉच बट विदाउट नोइंग द स्टोरी। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स डाइव इन टू द वीडियो और देखते हैं कैसी है एनिमल। पापा ये तो शुरुआत है, बहुत काम बाकी है। पापा उसको मिलना है, मारना है, आप निराश मत होना पापा। स्टार्टिंग में लेट द फर्स्ट वेरी फर्स्ट एंट्री ऑफ द सीन, जो इंट्रो स्टार्ट होता है इस मूवी का, इट इज अनएक्सपेक्टेड। जो भी आपने अभी तक सुना है, जो भी आपने देखा है किसी की YouTube वीडियो में, जो भी लोग एक्सपेक्ट लगा के बैठे थे, इंट्रो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। द स्टार्टिंग सीन इज टोटली डिफरेंट और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा दिस मूवी विल स्टार्ट विद दिस टोन। सो बहुत सारे अप्स एंड डाउन है मूवी में। सो इट स्टार्ट विद समथिंग टोटली डिफरेंट, उसके बाद जो ट्रांजिशन दिखाई है मूवी में बैक स्टोरी से रिलेट करने के लिए, इट इज टोटली माइंड ब्लोइंग। आपको बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत छोटी छोटी जो डिटेल्स है मूवी की, उसमें ज्यादा लाइक होता है ना कि जैसे छोटी सी डिटेल है वो मिस हो जाती है, उस पर भी उन्होंने बहुत इम्फेसाइज करा है, उसको फोकस करके दिखाया। और भाई साहब जो एक्टिंग, मतलब रश्मिका मंदाना, रणबीर कपूर, अनिल कपूर, शक्ति कपूर, बॉबी देओल, सो मेनी गुड एक्टर्स आर देयर और भाई क्या मजा आया, बहुत ही उमदा एक्टिंग। सो या लेट्स फॉरगेट दैट, लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। सो जो उसका स्टार्टिंग सेट है वो बहुत टाइट, बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड है, किसी को वो एक्सपेक्टेड नहीं होगा। देन देयर इज अ माइंड बॉगलिंग सीन, जो स्टार्टिंग में मूवी चलती रहती है, हरामी, द फादर इज वेरी हरामी, हरामी बाप, वो आपको पता ही है, वो आपको ट्रेलर से ही पता चल गया होगा द फादर इज वेरी हरामी। तो जो हरामी बाप है उसका कैरेक्टर ऑल द मूवी, लाइक जो पूरी सिंस हिज बचपन टिल हिज एंड इज द सेम, ही इज द हरामी बाप। बट बहुत बीच बीच में इतने बहुत ही बढ़िया, मतलब इतने बढ़िया तरह से उन्हें सिनेमेटोग्राफ करा गया है, जो शॉट्स लिए हैं, जो एंगल, जो डिटेलिंग मैंने बताया, बहुत ही बढ़िया। एक स्कूल वाला सीन है, आप मतलब वो देखोगे ना आप सीट से उछल जाओगे, मतलब दैट इज लाइक वो पैदा किया हमने। माय फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। द एक्टिंग डन बाय रणबीर कपूर इज मतलब हैट्स ऑफ भाई, मतलब लोग बोलते थे संजीव में उसने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी थी, बट आप यहाँ देखोगे, यहाँ ना आपको एक अलग ही रणबीर कपूर दिखेगा, जैसे जैसे उसमें बहुत शांत है, एक डिफरेंट एंगल, वॉयलेंट रणबीर कपूर मैंने आज तक नहीं देखा था, जो इतना फड़, मतलब जैसे यू मस्ट से कि कबीर सिंह एक बहुत वॉयलेंट आशिक था या बहुत वॉयलेंट प्यार करने वाला था, बट दिस गाय हैव पार्ट्स, लाइक उसने सारे जो थे ना जो लेवल, सारे लेवल फाड़ दिए इस मूवी में। एंड अ बिग शॉट आउट टू रश्मिका मंदाना, बहुत ही उमदा एक्टिंग करी उन्होंने, बहुत लाइक आई एम सो मच इन टू दिस एक्टिंग थिंग। सो या द स्टोरी लाइन बहुत ही हराम, बहुत मतलब मैंने आपको बताया स्टोरी ट्रांजिशन बहुत बढ़िया है, डिटेलिंग बहुत बढ़िया, स्टार्टिंग एक सीन में इतनी बढ़िया डिटेलिंग दी है, मतलब मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बट यू शुड गो, आई मस्ट से यू शुड गो एंड वॉच दिस मूवी। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत प्यारा है, जो कुछ सीन्स आते हैं जैसे फाइट सीन्स हो गए, फाइट सीन्स की सिनेमेटोग्राफी, जो एंगल लिया है, जहां से शॉट लिया है, बहुत ही बेहतरीन, मतलब मजा ही आ गया। ह्यूमर भी बहुत डाले हैं बीच बीच में, देयर इज गुड ह्यूमर इन द मूवी, ताकि आप बोर ना हो जाए। जो फर्स्ट हाफ है, आई विल से द फर्स्ट हाफ इज सो टाइट, लाइक 10 out of 10 है फर्स्ट हाफ में, आपको कहीं पे भी ऐसा लेफ्ट आउट फील नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं छोड़ गया है कुछ, पूरा सेट बहुत टाइट है, एक्टिंग से लेके सिनेमेटोग्राफी से लेके लोकेशन से लेके, बहुत अलग अलग जगह इंडिया में भी शूट हुआ है, इंडिया के बाहर भी शूट हुआ है, बहुत ही बढ़िया सीन्स है। टिल द इंटरवल देयर इज लाइक, अब मैंने नो स्पॉयलर्स एज आई सेड, आपको बहुत मजा आने वाला है इंटरवल तक, तो आप ऐसे बैठ के 3-4 बार तो अपनी सीट पे उछल ही जाओगे, इट्स सो डैम गुड। बुरा जी वेखण में गया, बुरा ना मिलिया कोई, जे मैं आपो देखिया कुछ तो बुरा ना कोई। इंटरवल के बाद वाला जो सेट है वो इट इज टोटली थोड़ा सा अलग है। इंटरवल के बाद वाला सेट में स्टोरी बिल्डअप करने के लिए, चीजें दिखाने के लिए बहुत सारे चीजों को मर्ज किया है, सो देयर इज दैट पार्ट व्हिच आई फेल्ट कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट व्हेन आई
कम टू द एंड ऑफ दिस मूवी भाई साहब, उस पार्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी मुझे ऐसा लगा, बिकॉज इन द मीन वाइल व्हेन आई वाज वाचिंग दैट मूवी आल्सो आई थॉट कि ये पर्टिकुलर सीन क्यों ही डाल दिया भाई, मतलब इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इस पर्टिकुलर चीज की यहाँ जरूरत नहीं है, मूवी वाज गोइंग सो ग्रेट सो गुड, बट एट द एंड यू नो कि उस पर्टिकुलर पार्ट की जरूरत क्यों थी। बॉबी देओल की एंट्री बहुत ही डैशिंग, बहुत ही मतलब अनरियलिस्टिक सी है। VFX का मुझे थोड़ा सा लगा, लाइक पीपल वर सेइंग कि VFX उतने खास नहीं है, बहुत सारे सीन आएंगे जहां पे मुझे नहीं लगा कि VFX में कोई दिक्कत हुई है, एक्सेप्ट दैट वन सीन जो आप सभी ने ट्रेलर में देखा है जिसमें दैट हेवी मशीन गन इज देयर, दैट VFX वाज लाइक थोड़ा सा मजा नहीं आया उस VFX में। बाकी अगर आप देखोगे इवन इफ द VFX आर यूज, आपको पूरी मूवी में कहीं पता नहीं चलेगा कि VFX यूज हुए हैं, बहुत ही मतलब आई वाज मस्ट से कि बहुत ही टाइट। बस सेकंड जो हमारा पार्ट था, जो इंटरवल के बाद वाला पार्ट था, उसमें थोड़ा सा इन्होंने ट्रैक करा है चीजों को, कुछ चीजें मतलब आपको जो होता है ना डिटेलिंग, जो आपको पता चलेगी इंटरवल के बाद भी बहुत सारी चीजों पे उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेलिंग दी है, इंटीमेट सीन्स बहुत सारे हैं मूवी में, और भाई साहब बहुत बोल्ड सीन्स भी हैं, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, लेकिन बहुत ही ज्यादा बोल्ड सीन्स है मूवी में। फर्स्ट हाफ में देयर इज अ लॉट ऑफ फाइट, सेकंड हाफ में भी देयर इज अ फाइट, बट आई सिर्फ क्योंकि आप लोगों को स्पॉयलर्स नहीं देने हैं, और इस मूवी के एंड मतलब एंड से थोड़ा सा पहले, मुझे नहीं लगता बॉलीवुड की हिस्ट्री में ऐसा कोई सीन अभी तक किसी ने बनाया होगा, देयर इज अ प्रॉपर फाइट सीन, और उन फाइट सीन में जो चीजें हुई है ना, मतलब हैट्स ऑफ ही हो गया था मेरा ना, हैट्स ऑफ, आई वाज लाइक भाई साहब ये कोई ऑन कैमरा कैसे कर सकता, हैंड टू हैंड फाइट का सीन था, एंड इट वाज मतलब अब आपको जाके ही देखना पड़ेगा, आई एम नॉट स्पॉइलिंग एनीथिंग फॉर यू, मैं स्पॉइलर देना ही नहीं चाहता, तो आप देखोगे तो इट्स सो डैम गुड, जो एक्शन और जो भाई कैमरा हैंडलिंग करी है भाई साहब, डायरेक्टर साहब को तो हैट्स ऑफ है ही, वो बहुत ही बढ़िया था, एंड आई थॉट लाइक दैट मूवी इज कंप्लीटेड हियर, वहां पे सब खत्म हो गया, बट देयर इज अ सरप्राइज, जैसे मैंने आपको बोला था देयर इज अ सरप्राइज इन द स्टार्टिंग व्हिच नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग, एंड देयर इज अ सरप्राइज इन द एंडिंग व्हिच विल ब्लो योर माइंड, मतलब आप ऐसे हो जाओगे भाई साहब क्या ही बना दिया, एक्शन के लिए 10 out of 10, हर चीज के लिए आई मस्ट से कि दिस मूवी इज टोटली 9, आई शुड हैव गिवन 10, बट देयर इज अ पॉइंट व्हिच आई डोंट लाइक, कि इसमें ना इस पूरी मूवी में, ठीक है कबीर सिंह, पीपल विल से दैट इट्स अ मूवी, आई टोटली अंडरस्टैंड इट्स अ मूवी, बट फीमेल ये ना बहुत मेल डोमिनेटिंग मूवी बनाई है, फीमेल्स को ना बहुत डीमीन, बहुत जगह पे आप खुद देखोगे, लाइक ऐसा नहीं है कि दिस इज रॉन्ग दिस इज राइट, बट बहुत जगह का ना फीमेल्स को डीमीन किया गया, विच आई डिडंट लाइक, डीमीन आप जब देखोगे, नो स्पॉइलर्स फॉर यू, आप देखोगे आपको वो पर्टिकुलर चीज खुद बुरी लगेगी, ठीक है देयर इज अ वॉयलेंट गाय देयर इज एवरीथिंग, बट हाँ वो रणबीर कपूर को वैसा दिखाने के लिए या जो भी मेल कैरेक्टर्स हैं उस मूवी में उन्हें ऐसा दिखाने के लिए किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई एम जस्ट कटिंग दैट वन मार्क्स, नहीं तो इट वॉज 10 out of 10 और बहुत ही उमदा मूवी थी। फर्स्ट सेट में तो मैं दीवाना ही हो गया था, सेकेंड सेट थोड़ा सा मेरे को लेंदी लगा, बट एज आई सेड अर्लियर कि आपको उस सेट को जानने के लिए उस पर्टिकुलर पार्ट, जो वो पार्ट वहां पे डाला है उससे बहुत ही अलग स्टोरी रिलेट होके आपको एंड में दिखेगी, सो ये आपको इट्स अ मस्ट वॉच, आई मस्ट से इट्स अ मस्ट वॉच, कमा लेगी 200-300 crore तो अच्छे से ही कमाएगी, और बहुत ही वॉयलेंट रणबीर कपूर दिखे हैं भाई साहब इसमें, अभी तक आपने उन्हें इस रूप में नहीं देखा होगा, एक उनका सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखा है फॉर everyone, फॉर द फैमिली, फॉर their पेरेंट्स एंड everyone, बट उनका जो एनिमीज के लिए वॉयलेंट रूप दिखा है, दैट इज लाइक वो आपको मजा ही आ जाने वाला है, ऊपर से मतलब क्या था ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ये, सो या लाइक दिस इज द मूवी रिव्यू, दिस वॉज द माई रिएक्शन, दिस वॉज द गॉडसन्स रिएक्शन, एट अगर आपको मेरा रिएक्शन, अगर आपको ये मूवी बहुत बढ़िया लगी, आप मूवी देख के आना, अगर आप मेरे रिव्यू के बाद जा रहे हो, जस्ट गिव मी अ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते जाना कौन सा पार्ट बहुत बढ़िया लगा था, स्पॉइलर नहीं दिया है मैंने इसलिए बहुत मन कर रहा आपको बहुत चीजें बताने के लिए, बट यार वी विल टॉक अबाउट दिस आफ्टरवर्ड्स, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, गॉडसन इज साइनिंग ऑफ, मेरा 5 dots गॉडसन इंस्टाग्राम सब फॉलो करते जरूर जाना, लेट्स गो गाइस।